हाय एवरीवन वन नमस्कार सभी को मेरे चैनल इजी लर्निंग लर्न एंड ग्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं ऋचा गिरी आज हम मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश पढ़ेंगे जिसे हम अप्रोचेस टू लैंग्वेज लर्निंग भी कहते हैं तो so यहाँ हम सबसे पहले ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पढ़ेंगे उसके बाद डायरेक्ट मैथड पढ़ेंगे ऑडियो लिंग्वल मैथड पढ़ेंगे और बायिंग मैथड पढ़ेंगे तो इसे बेसिकली क्लासिकल लैंग्वेज को टीच करने के लिए यूज़ किया जाता है सबसे पहले स्टार्ट किया गया लैटिन और ग्रीक को पढ़ाने के लिए फिर इसे जनरलाइज कर दिया गया सेकेंड लैंग्वेज को टीच करने के लिए तो सेकेंड लैंग्वेज वो लैंग्वेज जिसे हम पढ़ना चाह रहे हैं इसे हम टारगेट लैंग्वेज भी कह सकते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन अप्रोच में स्टूडेंट्स जो होते हैं अपने नेटिव लैंग्वेज को यूज करते हैं टारगेट लैंग्वेज को समझने के लिए जैसे कोई बातें टारगेट लैंग्वेज में दी गई हैं तो उसे समझने के लिए सबसे पहले वो नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं यहां पे ग्रामर रूल को को मेमोराइज किया किया जाता है, को किया जाता है, है लर्न और प्रोनाउंसिएशन को काफी लीस्ट इंपॉर्टेंस दिया जाता है ना के बराबर ओरल एबिलिटी में बहुत कम जोर दिया जाता है ना के बराबर हम कह सकते हैं इस मेथड के अंडर ग्रामर रूल्स को डिडक्टिवली लर्न किया जाता है डिडक्टिवली लर्न करने का मतलब है किसी जनरल चीज से स्पेसिफिक की ओर बढ़ना तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पहले ग्रामर रूल्स लर्न करते हैं मेमोराइज किया जाता है और फिर एग्जाम्पल्स के साथ उसे समझा जाता है तो डिडक्टिव का मतलब है जनरल टू स्पेसिफिक अगर इंडक्टिव कहा जाए तो स्पेसिफिक टू जनरल तो यहाँ पे ग्रामर रूल को डिडक्टिवली लर्न किया जाता है मतलब जनरल टू स्पेसिफिक वे में मूव किया जाता है जनरली हम ग्रामर रूल्स को पढ़ते हैं उसे मेमोराइज करते हैं उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ तो पहले रूल्स देन यहाँ पे फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है कॉन्टेक्स्ट मतलब सेंटेंस का फॉर्म सही होना चाहिए कॉन्टेक्स्ट से ज्यादा मतलब नहीं रहता जैसा कि हमने डिस्कस किया यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन पे लिसनिंग पे स्पीकिंग पे ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्ट अप्रोच जिसे हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं इसे हम एंटी ग्रामेटिकल मेथड भी कहते हैं और रिफॉर्म मेथड भी कहते हैं इसका नेम जैसा बता रहा है डायरेक्ट अप्रोच या डायरेक्ट मेथड मतलब हम जो लैंग्वेज सीख रहे हैं वो डायरेक्टली सीख रहे हैं डायरेक्टली सीखने का क्या मतलब है बिना नेटिव लैंग्वेज को यूज किए हुए इसे हम द एंटी ग्रामेटिकल मेथड भी कहते हैं हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या पढ़ा था कि वहां हम रिटर्न फॉर्म पे जोर दे रहे थे प्रोनाउंसिएशन या ओरल स्किल पे जोर नहीं दे रहे थे बट हम डायरेक्ट अप्रोच में डायरेक्ट मेथड में रिटर्न फॉर्म पे जोर नहीं देंगे और ओरल स्किल्स स्पोकन लैंग्वेज पे हम जोर देंगे यहाँ पे ग्रामर रूल्स को अवॉइड किया जाता है ग्रामर रूल्स को अवॉइड किया जाता है और गुड प्रोनाउंसिएशन पे एम्फेसाइज किया जाता है इम्पोर्टेंस दिया जाता है तो डायरेक्ट मेथड में डायरेक्टली बच्चा सीखता है जो टीचर है या सिखाने वाला है वो एक्सप्रेशन के साथ अपने आइडिया को, को बताता है अपने को बताता है एक्शंस के साथ बताता है ताकि बच्चा नेटिव लैंग्वेज न यूज करके एक्शन और एक्सप्रेशन को कैच करके उस वर्ड का मीनिंग समझ सके तो ये मेथड लाने के पीछे का ये रीजन था जैसे हम बचपन से अपने नेटिव लैंग्वेज को सीखते हैं तो नेटिव लैंग्वेज को सीखने के लिए हम कोई रूल्स नहीं याद करते हैं या किसी चीज को फॉलो नहीं करते हैं बट हम सीख लेते हैं एक्सपीरियंस के साथ अपने फादर मदर या हमारे साथ जो भी कन्वर्सेशन करता है उसके हम एक्सप्रेशन से हाव भाव से आइडिया से एक्सपीरियंस लेते हैं और अपने नेटिव लैंग्वेज को सीखते हैं तो यही अप्रोच अपनाने की कोशिश हो रही है डायरेक्ट मेथड में नेक्स्ट है हमारा ऑडियो लिंग्वल अप्रोच जिसे हम ऑडियो लिंग्वल मेथड भी कहते हैं तो ये ऑडियो लिंग्वल मेथड इस थ्योरी पे बेस्ड है कि हम लैंग्वेज कैसे एक्वायर करते हैं जैसे हमने डायरेक्ट अप्रोच में देखा था डायरेक्ट अप्रोच में जैसे हमने नेटिव लैंग्वेज को एक्वायर किया था उसी तरीके से हम सेकेंड लैंग्वेज को लर्न करने की कोशिश कर रहे थे एक्विजिशन के थ्रू तो यहाँ भी सिमिलर टू डायरेक्ट अप्रोच जैसे हमने नेटिव लैंग्वेज को लर्न करने की कोशिश करी थी नेटिव लैंग्वेज को एक्चुअली एक्वायर करने की कोशिश करी थी उसी तरीके से हम अपने टारगेट लैंग्वेज को एक्वायर करेंगे तो ये सिमिलर टू डायरेक्ट अप्रोच है इसे हम आर्मी मेथड भी कहते हैं न्यू की भी कहते हैं ये फॉरेन लैंग्वेज को टीच करने के लिए यूज किया जाता है सेम एज डायरेक्ट मेथड ये अप्रोच बिहेवियर्स थ्योरी पे बेस्ड है जैसा कि हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ा था स्कीनर का जो कि थे और ये एक बिहेवियर्स थ्योरी था यहाँ पे जो भी लर्निंग हो रही थी वो रेनफोर्समेंट के बेसिस पे, तो पे क्रैक uh, करने के लिए ये पढ़ रहे हैं तो ये हमारा सीटेड क्रैक करना एक रेनफोर्समेंट का काम कर का रहा है जो कि पॉजिटिवली वर्क कर रहा है या फिर अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें जैसे कोई बोलर वो सही अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें जैसे कोई बॉलर एक लाइन और लेंथ में बॉल फेंक रहा है विकेट के ऊपर क्रिकेट गेम में तो उसका कोच उसे साबाशी दे रहा है कि उसका लाइन और लेंथ काफी अच्छा है तो साबाशी जो है वो रेनफोर्समेंट का, का काम किया पॉजिटिव रेनफोर्समेंट तो अब वो बॉलर क्या करेगा वो ट्राई करेगा सेम लाइन और लेंथ में विकेट पे बॉल फेंके ताकि उसे फिर से साबाशी मिले और वो अच्छा वर्क करे तो ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के एग्जाम्पल्स हो गए हैं अब नेगेटिव रेनफोर्समेंट नेगेटिव रेनफोर्समेंट जैसे कोई कुछ पढ़ रहा है वो फेल होने से बचने के लिए पढ़ रहा है तो फेल होने से बचना वो नेगेटिव रेनफोर्समेंट हो गया या किसी चीज को अवॉइड करने के लिए कोई काम करना वो नेगेटिव रेनफोर्समेंट हो गया तो ये जो हमारा मेथड है ये अप्रोच है वो बिहेवियर थ्योरी पे बेस्ड है और रेनफोर्समेंट से हम कोई चीज सीख रहे हैं लैंग्वेज सीख रहे हैं तो जैसा कि हमने डिस्कस किया ऑडियोलिंग्वल अप्रोच जो है वो डायरेक्ट मेथड से सिमिलर है और क्या चीज सिमिलर नहीं है वो है यहाँ पे हम वो पे फोकस नहीं करते हैं बल्कि यहाँ टीचर्स स्टूडेंट्स को ड्रिल करवाते हैं प्रैक्टिस करवाते हैं कि ग्रामर का कैसे यूज किया जाए इस चीज से रिलेटेड प्रैक्टिस होती है ड्रिलिंग होती है नेक्स्ट देखते हैं बाइलिंगल मेथड तो बाइलिंगल मेथड में क्या होता है यहाँ दो लैंग्वेजेस को यूज किया जाता है एक तो टारगेट लैंग्वेज जिसे हम सीख रहे हैं दूसरा मदर टंग बट मदर टंग जो यूज होता है वो टीचर्स के द्वारा यूज होता है इसे ये भी कहा जाता है कि ये डायरेक्ट मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का कॉम्बिनेशन है वो इसलिए क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जैसा कि हम यहाँ पे टारगेट लैंग्वेज को पढ़ने के लिए मदर टंग यूज करते हैं तो यहाँ भी बाइलिंग्वल मेथड में भी मदर टंग यूज किया जाता है टारगेट लैंग्वेज को पढ़ने के लिए और डायरेक्ट मेथड इसलिए क्योंकि डायरेक्ट मेथड में हम डायरेक्टली टारगेट लैंग्वेज को लर्न कर रहे थे ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द टू लैंग्वेजेस एंड दीज आर नेटिव लैंग्वेज और मदर टंग एंड द टारगेट लैंग्वेज तो यहाँ पे अगर कोई सिमिलैरिटी और डिफरेंस जान जाता है मदर टंग टारगेट लैंग्वेज के बीच में तो वो टारगेट लैंग्वेज इजिली समझ लेगा एक और इम्पोर्टेंट बात इसके बारे में यहाँ पे प्रिंटेड टेक्स्ट अवेलेबल होता है है इसे यूज किया जाता स्टार्टिंग से ही तो स्पोकन सेंटेंस के साथ साथ प्रिंटेड टेक्स्ट भी यूज करते हैं तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं बायलिंग्वल मेथड के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मदर टंग यूज होता है नेटिव लैंग्वेज यूज होता है टारगेट लैंग्वेज को समझने के लिए बट टीचर्स के द्वारा यूज किया जाता है दूसरा इसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का कॉम्बिनेशन तीसरा इस मेथड का बेस होता है सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बिटवीन टारगेट लैंग्वेज एंड द नेटिव लैंग्वेज चौथा यहाँ पे प्रिंटेड टेक्स्ट काफी स्टार्टिंग से ही अवेलेबल होते हैं मतलब जो स्पोकन सेंटेंस है और प्रिंटेड टेक्स्ट है दोनों ही लर्नर को सिखाने के लिए स्टार्टिंग से यूज किया जाता है